चलिए दोस्तों जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड वकाम की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट्स में। लेकिन उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबाए। चंद्रयान 3 लॉन्च, भारत ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी, अस्पताल में बिगड़ रहे हालात। झारखंड के युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, पुरुषों को मिलेंगे 1,000 रुपए जबकि महिलाओं को 1,500 रुपए की मदद। घी मक्खन को सस्ता करने की तैयारी, घटाई जा सकती है 7% जीएसटी। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, सीएम योगी को दिया जवाब, कहा पहले यूपी का हाल देखो। मणिपुर में भी कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, राहुल गांधी के समर्थन में जुटे हजारों कार्यकर्ता। बारिश और बाढ़ बिगाड़ेगी आपका बजट, जुलाई में और बढ़ेगी महंगाई। अब आंध्र प्रदेश में खेतों से चोरी हो रहे हैं टमाटर, रात भर चौकीदारी कर रहे किसान। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा महंगाई की सबसे बड़ी वजह है जीएसटी, कांग्रेस की सरकार बनते ही जीएसटी को हटाएंगे। यमुना की बाढ़ को आम आदमी पार्टी ने बताया साजिश, कहा केंद्र ने यूपी को बचाया, दिल्ली को डुबाया। बाढ़ को लेकर नोएडा में भी 30 दिन तक यमुना किनारे धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, केंद्र के समान हुआ 40% महंगाई भत्ता। झारखंड के 15 लाख छात्रों को साइकिल के बदले मिलेगी राशि, सीएम ने किया ऐलान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर वार, कहा देश हिंदू राष्ट्र से नहीं संविधान से चलेगा। देश में फिर बड़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 52 नए केस। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भारत बंद का हो सकता है ऐलान, ओवैसी ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश के विकास के लिए फिर कर्ज लेगी शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित सभी इलाकों में सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में आज भारी बारिश, बाढ़ का भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच बड़ी खबर, अजित पवार को मिला वित्त मंत्रालय। हिमाचल में बारिश से 90 मौतें, 4,000 करोड़ का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा सरकार बनी तो बिजली बिल करेंगे माफ। एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने फिर किया विरोध प्रदर्शन, 1,300 रुपए के पार पहुंचा एलपीजी का रेट। अब ई श्रम पोर्टल पर किसान भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, किसानों के खातों में भी आएंगे इस श्रम कार्ड योजना के 1,000 रुपए। फिर करोड़ों किसानों के अकाउंट में आएंगे 2,000 रुपए, जारी होने वाली है पीएम किसान योजना के 14वीं किस्त। तेलंगाना में राहुल गांधी की गारंटी, बोले कांग्रेस सरकार बनी तो बुजुर्गों और विधवाओं को मिलेगी 4,000 पेंशन।